Gitu, Bay. Look here, Adnan bhai. Adnan bhai, look here. Wait. Only 30 seconds. Sashi, apko bolta? Haan, sir. Haan? Kal sir, 15 seconds, 15 seconds. 20 seconds hua? स्टाइल आइकन के लिए नॉमिनेट किया गया है और मैं आया थोड़ा सा लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, तो उसके लिए सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखते हैं अभी अवार्ड शो कैसा है। मैं सबसे ज़्यादा सच बोलेंगे तो कैरी करने आना चाहिए, तो मैं उतना ज़्यादा कोई पर्टिकुलर ब्रांड से अट्रैक्ट नहीं होता हूँ। मैं फिटनेस को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। आप फिट रहोगे, अच्छे रहोगे, तो आप कुछ भी पहनोगे आपके ऊपर अच्छा लगेगा। तो फिटनेस को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ मैं। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल अभी रिसेंटली मैंने जिम ओपन किया है और हमारा एनजीओ भी है जिसका नाम है प्योर डीट्स। तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ कर रहे हैं, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह और भी आगे बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ऑडियंस जहाँ पे देखना चाहेगी वहाँ चले जाएंगे। अभी उन लोगों की दुआ, उन लोगों के प्यार के वजह से आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे, तो जहाँ पे लोग चाहेंगे देखना वहाँ पे पहुँच जाएंगे हम। नहीं, मैं उससे उसको जानता नहीं हूँ पर्सनली, और कंट्रोवर्सीज तो होते रहती है। मैंने अपना पीओवी दिया था। देखो, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू था। मेरी फ्रेंड थी मनीषा, मनीषा मेरी फेवरेट थी, तो बट ऑब्वियसली मैं मनीषा का नाम लूँगा, और सबके अपने अपने फेवरेट होते। तो मैं मेरे हिसाब से मुझे लगा मनीषा डिजर्विंग है, या तो उसके अलावा कोई मेल कंटेस्टेंट। तो अभिषेक की जर्नी बहुत अच्छी रही है, फुकरा इंसान की, तो मुझे लग रहा था वो है। अब वो जीत गया तो अच्छी बात है। बस मैं यही दुआ करता हूँ और यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे वो पहले गंद मचाता था एल्विश, पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म और हेट फैलाता था, अभी शायद उसको इस मुकाम का फेम मिल गया, तो शायद वो आगे ये सब चीज़ें ना करे। अभी जनता का प्यार है, देखो जनता जिसको बनाएगी वो विनर है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली सबका अपना फेवरेट, जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका है, सबका अपना फेवरेट होता है, तो आपका भी कोई फेवरेट होगा। वैसे मेरा भी ओपिनियन है, मेरा फेवरेट कोई और है, तो इस तरीके से देखेंगे। नहीं, अभी तो फ़िलहाल तो नहीं मिला, पर मिलेंगे इंशाल्लाह पहुँच जाए। थैंक यू। Vamos.
वन मोर टाइम प्लीज। Look here. अभिषेक भाई दो मिनट खाली दो। स्टाइल आइकन का अवार्ड मिला है और बहुत अच्छा लगा, जगह भी बहुत अच्छी थी, पूरा अरेंजमेंट, पूरी टीम बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच सबको, थैंक यू सब एडी लवर्स को, सब टीम्स रेस्टोरेंट के चाहने वालों को बहुत सारा प्यार। कैसा लगा आपका अवार्ड? बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ ही टाइम में मैं एक म्यूज़िक वीडियो मैं खुद डायरेक्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं खुद फीचर भी होऊंगा, तो बहुत ही जल्द आपको देखने मिलेगा। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और सब दिल जले आशिकों के लिए है वो सॉन्ग। नहीं, ना डांस करूँगा ना रोमांस करूँगा, एक स्टोरी है, स्टोरी टेलिंग है और दिल कंटेम्प्रेरी आप बोल रहे हो। अच्छा नहीं, वो सो सैड सॉन्ग है, उसमें एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और लिरिक्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कैची है, सभी को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। मनीषा को मनीषा को कास्ट करना, मनीषा बहुत ही एक मस्तीखोर, एक अच्छी लड़की है, मगर जो कैरेक्टर चाहिए जैसे मेरे साथ में मैच हो, बहुत ही अलग एक फेस चाहिए, जिसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। नटखट लड़की चाहिए रहती तो मैं बट ऑब्वियसली मनीषा को चुनता था, पर मेरे को थोड़ी इमोशनल और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्ट करने वाली लड़की चाहिए, तो कास्ट के लिए अभी थोड़ा सोच रहा हूँ। मैं मनीषा का डैडी तो हूँ नहीं, तो सबकी लाइफ है, कुछ नहीं सबकी, देखो सब समझदार है, सबको पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो सबकी अपनी चॉइस है, सो इट्स हर चॉइस, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू।
मुझे नॉमिनेट किया है ये बताया नहीं किसी ने सॉरी आई एम नॉट नॉमिनेटेड एनीवेयर बट आई एम हियर टू अटेंड द लॉन्च ऑफ 101 सुधाकर शेट्टी जी ने इतना बढ़िया लाउंज ओपन किया है एंड ऑफकोर्स सारा शहर जानता है सुधाकर शेट्टी जी ने शहर के लिए क्या क्या किया है कितनी अच्छी अच्छी जगह ओपन की है एंड आई एम एक्साइटेड टू बी हियर गॉड्स बीन काइंड yeah I started my career from reality shows then opted on comedy shows comedy circuit and all some na bada pasand kiya then I shifted my focus towards some serious genre and now I'm basically focusing for some web series roles some serious negative and different kind of genre jo maine abhi tak nahi kiya alag thoda rang dikhane zaruri hai डेफिनेटली अगर एक टाइम की बात दिख रहा हूँ तो ढंग से दिखूंगा एंड वेरी सून आई एम शूटिंग फॉर अ वेरी बिग म्यूजिक वीडियो आपकी बहुत ही चहेती एक स्टार है नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा पता चल जाएगा काफ़ी पॉपुलर थी अभी हाल ही में उनकी मेरी पुरानी दोस्त भी हैं ऑफकोर्स जब काम करो तो अपने दोस्तों के साथ काम करने का अलग मज़ा आता है आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा सो रोमांटिक वीडियो मैं हर तरह के रोल करना चाहूँगा लेडीज और गे छोड़ के एंड नो किसिंग शॉट्स ऑन स्क्रीन No, from my side. Only clean work. Yes. मेरे लिए एक्चुअली चैलेंजिंग हुआ क्योंकि मुझे कैसे अपने आप को हैंडल करना है कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखना है कि ज़रा से भी इधर गया ना तो कॉमेडी हो जाएगा तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो गया बट ठीक है दैट्स एन एक्ट्रेस लाइफ इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग इट्स रोमांटिक सॉन्ग मैं सब कुछ करूंगा कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं आई एम हियर टू विन द वर्ल्ड आई टेक एवरीथिंग व्हाट इज माइन यू वेलकम लेट्स नॉट मेक द ब्यूटीज वेट डोंट आस्क फॉर नॉमिनेशन वी आर हियर फॉर ओपनिंग I am glad to be part of your Sudhakar Shetty, right? Sudhakar Shetty's 101. We are here for opening, and this area, I guess, I don't think so. There is any other club or lounge, so we are really excited because one factor is that it is near to my place. So I hope it is open till late because we hardly go out. I mean, in a busy schedule. So I hope this brings. I'm in a great opening and I'm looking forward to it. I'm looking forward to have a good time. See, we are actors, so na chahte hue bhi humko fashion karna padta hai. I'm not that fashionista, but then I love wearing whatever is comfortable. That's what fashion is. मुझे जब पता चल जाएगा आई विल लेट यू नो स्ट्रगल इज ऑन सो स्वीट जैसे आपने कहा कि मैं बारबी लग रही हूँ एंड मैंने सोचा भी नहीं कि मैं ये ड्रेस पहन के जाऊँगी एंड आई जस्ट गेट द कॉम्प्लीमेंटली लाइक दैट ओनली एंड व्हेन आई एंटर इनसाइड एंड दे आर जस्ट प्लेइंग द बारबी सॉन्ग ओनली एंड इट वाज सो गुड यू नो सो इज पॉजिटिव वाइज सो आई एम हैप्पी फॉर दिस एंड आई हैव टू बी लाइक कॉन्ग्रेट्स फॉर माई सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ही देम एंड आई एम जस्ट प्रेइंग कि मैं पूरी लाइफ फैशन आइकन बनी रहूँ सबसे पहले मैंने बहुत 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 ज़्यादा हिंदी सीखी और अपने हिंदी पे काम किया रोज़ाना
आठ से नौ घंटे में सिर्फ हिंदी सीखती हूँ ताकि कोई मुझे ये ना कहे कि जूनियर कैटरीना कैफ बिकॉज आई एम रेहा पठान पठान की बच्ची हूँ मैं, तो मुझे रेहा पठान बने रहना है. तो मैंने काफ़ी मेहनत की है एंड आई एम एक्साइटेड ऑल्सो बिकॉज मेरा डेब्यू है साउथ में और इंशाल्लाह आई विल प्रे कि बहुत जल्दी बॉलीवुड में भी आए. आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द अगर आप पूछे कौन फेवरेट है तो आई कॉन्ट से दैट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज मुझे सारे लोगों के साथ काम करना है क्योंकि मुझे सारे फ्लेवर चाहिए, सारे स्पाइस चाहिए बिकॉज आई एम अ वेरी स्पाइसी गर्ल. सो मैं सारे एक्टर के साथ काम करना चाहूँगी अगर मुझे मौका मिला तो. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इवनिंग, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, लव यू. सॉरी we have come for this event but the awards I am nominated but it's happening on the 20th right, it's happening on the 20th right, you're talking about IPA? No, there's award function upstairs. Oh no, not the award function, we have come for the launch 101. Yeah, why both things are happening together? Ah, okay. एब्सोल्युटली अच्छा लग रहा है, हमेशा एक अच्छी फीलिंग होती है जब आप ऐसी महफिल में आते हैं बिकॉज आपको पता होगा कि एक्टर्स की लाइफ इतनी बिजी होती है कि यू नो मौका नहीं मिलता, और जब आप ऐसे इवेंट्स पे आते हैं तो आपको अपने फ्रेंड्स से मिलने का मौका मिलता है, फैंस से मिलने का मौका मिलता है, वक्त बिताने का मौका मिलता है जो हम एक्टर्स लैक करते हैं. सो एब्सोल्युटली इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. I also want to congratulate 101 Mr. Sudhakar Shetty for this place and I'm looking forward to it because you know being a part of Lokhandwala and Andheri area, it's like very difficult to come like this side, but you know seeing this place grow like that, it's absolutely a great feeling. I'm sure the place is going to be good. Thank you so much. अवार्ड फंक्शंस एक्चुअली हर किसी को अच्छा लगता है. डांस होते हैं, हमें अलग अलग तरह के टैलेंट्स देखने मिलते हैं, परफॉर्मेंस देखने मिलते हैं, और इट्स दिस थिंग हैज़ ऑलरेडी बीन यू नो फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई हैव बीन ग्रोन अप सीइंग अवार्ड फंक्शंस, आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन पार्ट ऑफ अवार्ड फंक्शंस. परफॉर्म करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जब हमारे जैसे ही कोई और परफॉर्म करे तो उन्हें देखना भी काफ़ी कुछ अच्छा लगता है. या शेट्टी सर को तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम नियर बाय सो आई एम लाइक हैप्पी कि अच्छा चलो यहाँ पे और क्लब्स होने चाहिए. जनरली क्या होता है क्लब्स अंधेरी या बैंड्रा, हम खुद जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो अंधेरी चलते हैं बैंड्रा चलते हैं, बट यहाँ पे और क्लब्स होने चाहिए और देर रात तक होने चाहिए सो दैट यू नो वी कैन इन्जॉय. इट्स अ गुड प्लेस कांदीवली ईस्ट और काफ़ी सारा आगे. आई जस्ट विश देम गुड लक एंड थैंक यू. For? I'm not sure. I'm just a guest, I guess. You want to ask something? Or you want me to? Are you asking, na? No, you. Whatever you feel like. I'm really excited. Sudhakar Shetty ji ne naya club khola hai 101 and I heard it's very good. So baki main upar jaake dekhunga. And I heard it's a great party place in Kandivali West. I came here for the first time and you should also come. Yeah, that's for the audience. Yeah, please. That's it. Thank you so much. Thank you.
तो मैं पब्लिक से यही बोलना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली मैं कर रहा हूँ एक वेब शो जो आएगा अमेजोन मिनी पे और जिसका नाम है बड़ी हीरोइन बनती है। तो आज ही मैंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट और अभी तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मैं चाहता हूँ और भी प्यार दें पब्लिक। बस हम लोग काम जी ये मेरा वैसे थर्ड वेब शो है, दो वेब शो में और कर चुका हूँ। डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं सबके, टीम्स अलग होती हैं, बट आई फील दोनों में ज़्यादा मज़ा आता है। तो so, जी मैं फॉलो करता हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता क्योंकि शूट से टाइम कम मिलता है। बट हाँ, आई लव टू डू खतरों का खिलाड़ी एंड इवन बिग बॉस कलर्स वाला, नॉट OTT। राइट, नहीं आई वॉज सपोर्टिंग अभिषेक अक्का फुकरा इंसान तो, बट ठीक है एल्विस इज ऑल्सो वेल डिजर्विंग, बट मैं चाहता था अभिषेक जीते। आई एम सपोर्टिंग नायरा एज शी इज माई फ्रेंड एंड आई एम सपोर्टिंग शिव ठाकरे एज वेल, बोथ आर गुड। बेस्ट टास्क, सी एवरी टास्क इज वेरी डेंजरस, तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा, हाँ लेकिन जो भी आएगा मैं करूँगा अच्छे से, पर अभी आई कैन नॉट चूज बिकॉज ऑल आर वेरी डिफिकल्ट, इट सीम्स डिफिकल्ट। आई एम जस्ट सेइंग कि अभी तक आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और भी कीजिए एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप विजिटिंग 101। थैंक यू गाइस, नो प्रॉब्लम।